मध्य प्रदेश के सभी बीजेपी विधायक गुरुग्राम के मानेसर में एक होटल में ठहराए गए हैं। वहां पर क्या क्या माहौल है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कासिम खान ने। दो साल पहले तक जिस आईटीसी ग्रैंड भारत होटल को सुविधाओं और गोल्फ के मैदान की वजह से जाना जाता था, अब वो राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है। कर्नाटक की सरकार का नाटक इसी होटल में रचा गया तो अब मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए इसी होटल में रणनीति बन रही है। भाजपा के 106 विधायक देर रात से यहां रुके हुए हैं। करीब एक सप्ताह पहले 4 मार्च को कांग्रेस, सपा और बसपा के 11 विधायकों को भी भाजपा के नेता इसी होटल में ठहराने के लिए लाए थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को जब ये खबर लगी तो वो अपने काफिले के साथ यहाँ पहुँच गए और कांग्रेस के 6 विधायकों को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। उस समय कांग्रेस सरकार गिरने का खतरा टल गया, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने अपने पाले में ले लिया तो मध्य प्रदेश की सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा गए। कुल मिलाकर भले ही कमलनाथ ये कह रहे हों कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों को टूटने के खतरे से डरी हुई है। कासिम खान, खबरें अभी तक नूह मेवात।